अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप गाइज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह के लिरिक्स अपने मोबाइल के अंदर कैसे लिख सकते हैं। किसी भी सॉन्ग को ऐड करके आप इस तरह के लिरिक्स लिख सकते हैं, जैसे कि आपके सामने चल रहे हैं सैंपल वीडियो में, आप बिल्कुल इसी तरह लिरिक्स अपने मोबाइल के अंदर लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ समझाऊँगा कि आप इस तरह के लिरिक्स खुद से कैसे लिख सकते हैं। आपने इस वीडियो को गौर से देखना है, पूरा देखना है, कहीं से भी आपने इसको स्किप नहीं करना। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। जी तो गाइस, अगर आपको कोई भी मसला आ रहा है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आपको साइड पे यूज़र नेम लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, आप वहाँ पे जाके फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप लिरिक्स कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ये आपको प्ले स्टोर से बड़ी आसानी से मिल जाएगी एप्लीकेशन। यहाँ से आपने इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले 3 डॉट पे क्लिक करना है, इमेज साइज में आना है। यहाँ से आपने यूट्यूब थंबनेल वाला साइज सेलेक्ट कर लेना है, ओके कर देना है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर आपने ब्लैक करना है, क्योंकि हमने ब्लैक स्क्रीन लिरिक्स लिखने हैं। यहाँ से कलर में आने के बाद इसका कलर हम कर लेंगे यहाँ से ब्लैक, ठीक होगा। ब्लैक करने के बाद ओके कर देना है। यहाँ पे अब आपने सॉन्ग के लिरिक्स लिखने हैं। जिस सॉन्ग के भी आप लिरिक्स लिखना चाहते हैं उसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लिखे का लिरिक्स मिल सकते हैं। अदरवाइज आप उसको नोटपैड में लिख के भी रख सकते हैं या आप यहीं पे भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अगर आपको याद है तो आपने, मैंने सिंपली यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं नोटपैड में, तो यहाँ से मैं इसको जो है वो कॉपी कर लूँगा। पहले वाला लिरिक्स जो है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद दोबारा से हमने आना है पिक्सल ऐप में। पिक्सल ऐप में आने के बाद यहाँ पे डबल टैप करना है न्यू टेक्स्ट पे, और यहाँ पे मैं लिरिक्स जो है वो पेस्ट कर दूंगा। सबसे पहले जो पहला वर्ड है ये बड़ा सा लिखा हुआ है, तो इसको ही हम यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पे इसको ओके कर देना है, इसका साइज़ कुछ इस तरह करके बढ़ा देना है, ठीक हो गया। बढ़ाने के बाद यहाँ पे ए वाले सेक्शन में आना है, और यहाँ से आपने इसको फाउंट वाले सेक्शन में आने के बाद माई फाउंट में आना है। माई फाउंट में आपने ये वाला फाउंट इसको देना है, ठीक हो गया। यहाँ पे ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें जी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है LEMO, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये वाला फाउंट। जो इस फाउंट का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपने वहाँ से आगे इसको डाउनलोड कर लेना है। ये वाला फाउंट जो है इसको आपने डाउनलोड करके यहाँ पे टी पे क्लिक करके यहाँ पे आपने इसको ऐड कर लेना है। इस फाउंट को ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको मैं यहाँ पे लगा लूँगा, इसका साइज़ थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरह करके। साइज़ छोटा करने के बाद यहाँ से जो है, यहाँ से मैं इसको जो है इस वाले सेक्शन में आने के बाद ये देखें जी पैडिंग में इसको यहाँ से लेफ्ट साइड से थोड़ी सी स्पेस दे दूँगा, ओके कर देता हूँ। यहाँ पे लगाने के बाद आपने इसको रिलेटिव पोजीशन में बिल्कुल सेंटर में कर लेना है, ओके कर देना है। अब यहाँ से आपने प्लस वाले टैब में आना है, फ्राम गैलरी पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने ये वाली PNG को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेना है कुछ इस तरह करके। छोटा करने के बाद इसको आपने यहाँ से रोटेट करना है कुछ इस तरह करके। आपने इसको रोटेट करके यहाँ पर आपने टी के बिल्कुल बराबर आपने इसको यहाँ पर लगा देना है। थोड़ा सा साइज़ और छोटा कर लेंगे, ठीक हो गया। कुछ इस तरह करके यहाँ पे आपने इसको टी के बिल्कुल बराबर लगा देना है कुछ इस तरह करके। लगाने के बाद आपने जो है इसको यहाँ से टू बैक कर देना है, ठीक हो गया। बैक करने के बाद यहाँ से आपने इसकी एक कॉपी ले लेनी है। कॉपी लेने के बाद इसको आपने यहाँ पे कुछ इस तरह करके रोटेट करना है और इसको यहाँ पे लगा देना है, ठीक हो गया। इसको भी यहाँ से टू बैक कर देंगे। कलर आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर वाले सेक्शन में आके इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको इनेबल करने के बाद यहाँ से कोई सा भी कलर आप यहाँ से इसको दे सकते हैं, जैसे कि जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ से कलर दे सकते हैं। तो मैं सिंपली इसको वही वाला कलर दूँगा। देने के बाद इसको आपने यहाँ पर कुछ इस तरह करके बिल्कुल बराबर करके एडजस्ट कर लेना है, ठीक हो गया। इतना काम करने के बाद अब आपने जो है दूसरा लिरिक्स, जो हमारे लिरिक्स का दूसरा हिस्सा है, वो हमने यहाँ पर ऐड करना है। प्लस वाले टैब में आना है, टेक्स्ट पे आ जाना है, और यहाँ पे आपने वो वाला टेक्स्ट जो हमने कॉपी किया था पहला लिरिक्स, फिर से इसको पेस्ट करना है। अब यहाँ पे आपने यहाँ से इसको जो है इरेज़ कर देना है, पहला जो हमने ऐड कर लिया है। यहाँ पे अब हम ये वाला एक जो ब्रैकेट सी, इसको ऐड करने के बाद थोड़े से डॉट दे देंगे। अब यहाँ पे डॉट देने के बाद यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट फिर से दे देंगे, और यहाँ पे इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे देखें जी कुछ इस तरह करके आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे आपने ए वाले सेक्शन में आने के बाद फाउंट इसको दे देना है। यहाँ से जो इसके ओरिजिनल फाउंट है इसी में से मैं इसको कोई फाउंट दे देता हूँ। यहाँ से फैंसी वाले फाउंट में आने के बाद
कोई सा भी आप फाउंट यूज़ कर सकते हैं। मैं सिंपली इसको ये वाला फाउंट दे देता हूँ, ठीक हो गया। देने के बाद इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करके इसको यहाँ पे आपने बिल्कुल इसके बराबर करके सेंटर में एडजस्ट कर देना है, ठीक हो गया। यहाँ पे देखें, ये उसके ऊपर आ रहा है, पत्ती के ऊपर। इसको हम यहाँ पे कर लेंगे। करने के बाद अब आपने जो है इसको यहाँ से ले यहाँ पे सॉरी अब एक वो भी ऐड करनी है जो इमोजी है, न्यू टेक्स्ट वाला बॉक्स आपने फिर से ऐड करना है। यहाँ पे आपने इमोजी ऐड करनी है जो भी आपको यहाँ से अच्छी लगती है। सिंपली मैं यही आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद इस वाली इमोजी को आपने यहाँ पे कुछ इस तरह करके लगा देना है, ठीक हो गया। जैसे कि लिरिक्स में आपने देखा होगा इस तरह करके लगी हुई है, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने इसका शेडो जो है वो यहाँ से इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद इसको आपने यहाँ से ब्लर इसका थोड़ा सा बढ़ा देना है, थोड़ा सा, ठीक हो गया। और इसको भी आपने ग्लो को ऑन कर देना है। ब्लर थोड़ा सा कम कर देते हैं, ये जो आउटर ग्लो है इसको ऑन करने के बाद इसको ऑफसेट थोड़ा सा 3 पे कर देंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में भी थोड़ा सा 3 पे करने के बाद इसको ओके कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ से लेयर वाले सेक्शन में आना है और इन सारी लेयर्स को आपने इस तरह करके सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने इनको मर्ज कर देना है, ओके कर देना है। अब यहाँ पे आपने इनको बिल्कुल सेंटर में कर लेना है। ये वाला जो लिरिक्स हमने लिखा है इसको आपने बिल्कुल सेंटर में करने के बाद इसका साइज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपने बड़ा छोटा कर लेना है, ठीक हो गया। करने के बाद आपने इसको ओके करना है और यहाँ से आपने सेव एज इमेज में आने के बाद इसको आपने अल्ट्रा पे रख के सेव कर लेना है, ठीक हो गया। जब ये लिरिक्स सेव हो गया, आपने इस पर यहाँ पर देखें ये सारे मर्ज हुए हैं लेयर। आपने एक दफ़ा बैक पर क्लिक करना है, फिर से बैक पर क्लिक करना है। ये देखें ये लैदा लैदा हो गया। अब यहाँ पर आपने जो है ये वाला लेयर सेलेक्ट करना है जो हमने पहले ऐड किया हुआ था, ठीक हो गया। यहाँ पे इसको इरेज़ करना है। अब दूसरा लेयर जो लिरिक्स हमारे सॉन्ग का है इसको आपने यहाँ से जहाँ पे आपने लिखे होंगे वहाँ से आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक हो गया। यहाँ पे ये देखिए, कॉपी करने के बाद दोबारा से आपने पिक्सल लैब में आ जाना है और यहाँ पे इसको आपने पेस्ट कर देना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने पहले वाला जो वर्ड है यही लिखना है, बाकी को हम इरेज़ कर देंगे। बाकी इरेज़ करने के बाद आपने इसको यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद ये देखिए यहाँ पर ये तख्ती लिखा गया, ठीक हो गया। तख्ती कुछ इस तरह करके इसका साइज़ आपने बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद आपने इसको यहाँ पर लगा देना है, ठीक हो गया। इसके बाद आपने नीचे वाले टेक्स्ट को इसी तरह आपने डबल टैप करना है। डबल टैप करने के बाद अब जो हमने ये डॉट से लगाए हुए हैं इसको आपने इरेज़ नहीं करना। जो बाकी का हमने लिरिक्स लिखा हुआ है इसको आपने यहाँ से कुछ इस तरह करके इरेज़ कर देना है। इरेज़ करने के बाद आपने यहाँ पे फिर से वही वाला जो है वो पेस्ट कर देना है। अब स्टार्ट वाला जो वर्ड हमने पहले ऐड कर लिया इसको आपने यहाँ से इरेज़ कर देना है। इसको बैक करने के बाद आपने इसको यहाँ से ओके करने के बाद यहाँ पर आपने लगा देना है। यहाँ पर हमारा दूसरा लिरिक्स भी पूरा लिखा गया है, तख्ती हैं तख्ती हैं राहें तेरी, ठीक है। यहाँ पर अब इमोजी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे टैप करके इमोजी भी आप चेंज कर दें। जो हमने शेडो वगैरह लगाया था वो बिल्कुल उसी तरह रहेगा। यहाँ पे ये आंखों वाली लगा देते हैं, ओके कर देते हैं, ठीक हो गया। शेडो वैसे का वैसे रहा है, फॉन्ट भी हमें चेंज नहीं करना पड़ा। इसी तरह करके आपने इसको चेंज कर लेना है, ठीक हो गया। ये वाली जो हमने PNG ऐड की थी इसको आपने इस तरह करके साथ कर देना है और इसको भी आपने इस तरह करके कर देना है, ठीक हो गया। अब आपने ये देखें एडजस्ट नहीं हो रही, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेंगे कुछ इस तरह करके। इसको हमें सारा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से इसको बिल्कुल सेंटर में कर देते हैं। सेंटर में करने के बाद आपने इसको ओके करना है। अब यहाँ से आपने जो है ये पीछे वाली जो लेयर है इसको सेलेक्ट करना है, ठीक हो गया। यहाँ से ये देखें ये फूल वाली लेयर, इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको यहाँ पे ले आना है, ठीक हो गया, कुछ इस तरह करके, ठीक हो गया। इसी तरह करके आपने लेयर में आना है। ये जो दूसरे फूल वाली लेयर है इसको हमने सेलेक्ट करके यहाँ पर लगा देना है। अब जो नीचे वाला टेक्स्ट है इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा के आपने इसको यहाँ पर लगा देना है, कुछ इस तरह करके बिल्कुल इसके साथ आए। और ये जो इमोजी हमने ऐड की हुई है इसको पकड़ के आपने कुछ इस तरह करके यहाँ पर लगा देना है, ठीक हो गया। इतना काम करने के बाद अब आपने ये जो लेयर्स हैं ये सारी जैसे पहले सेलेक्ट की थी इसी तरह करके आपने सेलेक्ट कर लेनी है। सारी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने इनको मर्ज कर देना है, ठीक हो गया। मर्ज करने के बाद इनका सॉरी एक लेयर हमारी रह गई है, ये देखें, यहाँ से इसको भी हम कर लेंगे मर्ज, ठीक हो गया। यहाँ से मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के बाद अब आपने इसका साइज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख लेना है, कुछ इस तरह करके। इतना रखने के बाद इसको आपने बिल्कुल रिलेटिव पोजीशन में आने के बाद बिल्कुल सेंटर में करने के बाद ओके कर देना है। और यहाँ से इसको आपने सेव एज इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने अल्ट्रा पे सेलेक्ट करना है
और इसको सेव टू गैलरी कर देना है, ठीक हो गया। इसी तरह करके आपने सारे लिरिक्स लिख लेने हैं, लिखने के बाद आपने सेव कर लेने हैं और आपने पिक्सल ऐप को क्लोज़ कर देना है और काइनमास्टर को ओपन कर लेना है। जी तो गाइस, काइनमास्टर ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ से आपने प्लस वाले टैब में आ जाना है और यहाँ से आपने 16:9 वाला साइज आपने सेलेक्ट कर लेना है। साइज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब आपने वो वाली इमेजेस जो भी हमने बनाई थी लिरिक्स लिख के, वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। यहाँ से मीडिया में आना है, मीडिया में आने के बाद आपने पिक्सल लैब वाला फोल्डर ओपन कर लेना है और यहाँ पे जितने भी लिरिक्स आपने लिखे थे तरतीब वाइज आपने उनको यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक हो गया। सबसे पहले तकती हैं निगाहें, सॉरी तरसती हैं निगाहें, फिर तकती हैं निगाहें, इसी तरह करके आपने तरतीब वाइज सारे लिरिक्स को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद आपने स्टार्ट में आ जाना है। स्टार्ट में आने के बाद आपने जो है यहाँ से पहले वाली फ़ोटो को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने क्लिप ग्राफिक्स में आ जाना है। क्लिप ग्राफिक्स में आने के बाद आपने ये इन एनिमेशन जो है इस नाम का जो है क्लिप ग्राफिक्स आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कैसे करना है, नीचे आना है, गेट मोर में इंटरनेट अपना ऑन करना है, वहाँ से आपने इन एनिमेशन जो है क्लिप ग्राफिक्स डाउनलोड कर लेना है। इसमें से आपने जो है यहाँ से इसको जो है वो देने हैं क्लिप ग्राफिक्स ये वाले, ये देखें कुछ इस तरह करके, ये देखें आपके सामने ये लिरिक्स आ रहा है, ये देखें इस तरह करके आपने इसी तरह पहले वाले को देने के बाद ओके करना है। दूसरे को आपने फिर से क्लिप ग्राफिक्स में आना है। इन एनिमेशन में आने के बाद सॉरी यहाँ से इसको आप कोई और दे लें, जैसे कि ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला हो गया या ये वाला हो गया, जो भी आपको अच्छा लगे। यहाँ से आपने सेलेक्ट करने के बाद इसको सबको जो है सारी इमेजेस को क्लिप ग्राफिक्स दे देने हैं। तो मैं जल्दी से सबको दे देता हूँ इन एनिमेशन जो क्लिप ग्राफिक्स हैं ये वाले। जी तो भाई, सबको सारी इमेजेस को जो है क्लिप ग्राफिक्स देने के बाद कुछ इस तरह करके आपके सामने ये वाले लिरिक्स शो हो जाएंगे। आपने यहाँ से आना है, ये प्लस वाले टैब पे आपने क्लिक करना है, ये ट्रांजेक्शन इफेक्ट आपके सामने ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आपने ये जो है ये तीन ट्रांजेक्शन इफेक्ट आपने डाउनलोड कर लेने हैं, एक डोली वार्प, दूसरा एक्सेलरेशन, तीसरा ये देखें रेट्रोस्पेक्शन कुछ इस तरह करके लिखा हुआ, ये आपने डाउनलोड कर लेना है। गेट मोर में जाने के बाद वहाँ से आपने ये सारे डाउनलोड कर लेने हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने ऊपर की तरफ आने के बाद यहाँ से जो है ये पहले वाला जो इसको ओपन करना है, इसमें से आपने तीसरा और चौथा, तीन नंबर और चार नंबर ये वाला इफेक्ट यूज़ करना है, ठीक हो गया। ये देखें तीन नंबर कुछ इस तरह करके है, ये यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ से आपने ये डोली वार्प में आना है, इसमें से भी आपने ये तीसरा और चौथा यूज़ करना है, ठीक हो गया। एक्सेलरेशन में आएंगे तो यहाँ पे आप ये दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, तीसरा और चौथा, ठीक हो गया। इसी तरह करके आपने ये सारे, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये वाले इफ़ेक्ट हैं, आपने यूज़ कर लेने। तो मैं जल्दी से सारी ट्रांजैक्शन जो है दे के आपको बाद में मिलता हूँ। जी तो भाई, सारी ट्रांजैक्शन जो है वो मैंने दे दी हैं कुछ इस तरह करके, ट्रांजैक्शन और दूसरे जो है क्लिप ग्राफिक्स देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की ये वाली वीडियो, ये एक रह गया, इसको भी दे लेते हैं जी। यहाँ से एक्सेलरेशन वाले में आने के बाद ये वाला दे देते हैं, देने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद स्टार्ट में आ जाना है। अब यहाँ पर आपने यही जिसके लिरिक्स लिखे हैं ये आपने म्यूज़िक ऐड करना है। सबसे पहले मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखें जी लिरिक्स की जो क्लिप ग्राफिक्स और ट्रांजैक्शन है आपके सामने ये इस तरह करके शो होंगे। देखें इस तरह करके लिरिक्स आएंगे, ट्रांजैक्शन और क्लिप ग्राफिक्स दोनों जो लिरिक्स हमने जो एनिमेशन दिए हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लुक दे देंगे आपके लिरिक्स को। स्टार्ट में आना है, अब आपने यहाँ से लेयर में आना है, मीडिया में आने के बाद यहाँ पे आपने म्यूज़िक ऐड करना है अपना, जो भी आपका जिस सॉन्ग के आपने लिरिक्स लिखे हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पर जो लिखे हैं वो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ इस तरह करके। ऐड करने के बाद आपने नीचे की तरफ आना है, यहाँ से आपने इसको एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है, वीडियो को डिलीट कर देना है, ठीक हो। अब आपने इसको प्ले करके देखना है, म्यूज़िक को सुनते जाना है और यहाँ पे बिलफर्ज पहला लिरिक्स हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से ट्रिम टू जो है राइट कर देंगे, ठीक हो गया। अगर बिलफर्ज ये वाला लिरिक्स हमारा थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो इसको हम खींच के थोड़ा सा आगे की तरफ ले आएंगे। इसी तरह आपने म्यूज़िक को सुनते जाना है और लिरिक्स अपने सेट कर लेने हैं, ठीक हो गया जी। तो भाई, सारे लिरिक्स अपने बोल आपने सुनते जाना है और सेट कर लेना है उसके मुताबिक, जो मैंने सारे सेट कर लिए हैं, ठीक हो गया। इस तरह करके आपने सेट कर लेने हैं, ठीक हो गया। सेट करने के बाद आपने जो है बाकी का हिस्सा यहां से आपने ट्रिम करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपने यहां से एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। 1080p रेजोल्यूशन आपने सेलेक्ट करनी है और यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर देना है। गाइस, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो आपने इसे लाइक ज़रूर करना है, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ इसे भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।